जब जब देवेन वर्मा किसी बड़ी हीरोइन के साथ फिल्म में नजर आए, तब तब इन जालिम बॉलीवुड वालों ने उन्हें मार दिया। चाहे वो मेरे अपने में मीना कुमारी के ऑपोजिट हो या मिलन में नूतन जी के ऑपोजिट। लेकिन जब जब देवेन वर्मा को जिंदा छोड़ा गया, तब तब उन्होंने अपनी क्लीन कॉमेडी से हम सबको हंसाया, हमें गुदगुदाया और सिनेमा हॉल से बाहर मुस्कुराते हुए भेजा। आज देवेन वर्मा के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है राहुल, दिस इज 70mm विद राहुल। देवेन वर्मा की बॉलीवुड एंट्री उनकी हरकतों की वजह से हुई, वो हरकतें जो देवेन वर्मा कॉलेज में किया करते थे। अपने कॉलेज में देवेन वर्मा स्टेज शोज करते थे, वन मैन स्टेज शोज, जहां देवेन वर्मा बॉलीवुड एक्टर्स की मिमिक्री या नकल उतारते थे। ऐसा ही कुछ देवेन वर्मा एक फंक्शन में कर रहे थे, जिस फंक्शन को नॉर्थ इंडिया पंजाबी एसोसिएशन वाले ऑर्गेनाइज कर रहे थे, और उस फंक्शन में, उस ऑडियंस में एक बहुत ही प्रोमिनेंट पंजाबी फिल्म मेकर बैठे थे, बीआर चोपड़ा। बीआर चोपड़ा ने देवेन वर्मा के टैलेंट को देखा और उन्हें अपनी फिल्म में साइन कर लिया। वो फिल्म थी धर्मपुत्र। इस फिल्म धर्मपुत्र में काम करने के लिए देवेन वर्मा को 1961 में 600 रुपए मिले थे, जो माइंड यू एक बड़ी बात थी। धर्मपुत्र नहीं चली, लेकिन देवेन वर्मा को नोटिस किया गया। एवीएम स्टूडियोज मद्रास ने उन्हें ऑफर दिया कि आप हमारे यहां रहिए और हमारी फिल्मों में काम करिए, सैलरी 1500 रुपए महीना। शर्त यह थी कि मद्रास में ही रहना था। देवेन वर्मा मद्रास में एक साल रहे और उसके बाद वो वापस बॉम्बे आ गए। बॉम्बे में उन्हें बीआर चोपड़ा की अगली बनने वाली फिल्म में काम करने का मौका मिला, एक ऐसी फिल्म जो 1963 में रिलीज हुई थी, गुमराह। गुमराह वो फिल्म कही जाएगी जिससे देवेन वर्मा को लाइमलाइट मिली, उनकी कॉमेडी को वाहवाही मिली। और गुमराह में देवेन वर्मा अपने रियल लाइफ ससुर जी के नौकर बने थे, रियल लाइफ ससुर जी यानी अशोक कुमार। '60s वो दौर था जब कई बड़े कॉमिक एक्टर्स बॉलीवुड में मौजूद थे, जॉनी वॉकर साहब, महमूद साहब, किशोर कुमार, जो कि कॉमेडी भी करते थे और लीडिंग एक्टर भी थे फिल्मों के। तो इतने बड़े नाम जब बॉलीवुड में मौजूद हो, मुकरी साहब, आईएस जौहर, मतलब इतने लोग थे कि इनके बीच में देवेन वर्मा अपनी पहचान नहीं बना पा रहे थे। देवेन वर्मा को अपनी पहचान बनाने में कुछ वक्त लग गया, 1975 टू बी प्रिसाइज। एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई जिसके लिए देवेन वर्मा को फाइनली जाके एक फिल्म फेयर अवार्ड मिला। उस फिल्म का नाम था चोरी मेरा काम। हमारा दिल चुराने वाले देवेन वर्मा को चोर और चोरी जैसे शब्द बहुत सूट करते थे, क्योंकि देवेन वर्मा को उनका दूसरा फिल्म फेयर मिला था एक ऐसी फिल्म के लिए जिसका नाम था चोर के घर चोर। और देवेन वर्मा की कोई भी बात पूरी नहीं हो सकती जब तक मैं एक ऐसी फिल्म का नाम ना लूं जिसके लिए
देवेन वर्मा को उनका तीसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, अंगूर। जब देवेन वर्मा साहब के फिल्म फेयर अवार्ड्स की बात चल रही है तो मैं आपको ये बता दूं कि इट्स अ लिटिल सैड कि देवेन वर्मा साहब की तीनों फिल्म फेयर अवार्ड ट्रॉफीज उनसे खो गई। देवेन वर्मा एक दफा चेन्नई से मुंबई ट्रैवल कर रहे थे और इस ट्रांजिट में उनके दो बैग्स खो गए। उन दो बैग्स में उनकी वो तीन फिल्म फेयर ट्रॉफीज थी जो उस एयरलाइन की गलती की वजह से हमेशा के लिए खो गई। देवेन वर्मा सिर्फ एक कॉमिक एक्टर ही नहीं थे, वो एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी बने। प्रोड्यूसर बने देवेन वर्मा 1969 में एक ऐसी फिल्म के साथ जिसमें धर्मेंद्र थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी पैसे बना के गई, यकीन। इस फिल्म के बाद देवेन वर्मा ने 8 और फिल्में प्रोड्यूस की और देवेन वर्मा साहब डायरेक्टर भी बन गए। 1971 में पहली फिल्म एज अ डायरेक्टर रिलीज हुई, एक ऐसी फिल्म जिसमें उस जमाने के बॉलीवुड हार्ट थ्रॉब नवीन निश्चल थे, नादान। देवेन वर्मा साहब की शादी भी एक इंटरेस्टिंग अफेयर है। अपनी शुरुआती फिल्मों में देवेन वर्मा अशोक कुमार साहब के साथ काम कर रहे थे। फिल्म्स लाइक धर्मपुत्र, गुमराह या आज और कल, और इन फिल्मों में जब काम दोनों कर रहे थे तो अक्सर ही अशोक कुमार साहब इन बैचलर देवेन वर्मा साहब को अपने घर ले जाया करते थे खाना खिलाने, और इसी बहाने देवेन वर्मा की मुलाकात हुई अशोक कुमार जी की बेटी रूपा गांगुली जी से। और कुछ साल बाद दोनों ने एक साथ शादी कर ली। ये शादी हुई थी बॉम्बे के नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया में, और इस शादी में एक बहुत ही स्पेशल म्यूजिक परफॉर्मेंस था एक ऐसे इंसान की तरफ से जो देवेन वर्मा की वाइफ के चाचा लगते थे और देवेन वर्मा के चचिया ससुर, किशोर कुमार। '70s और 1980s का शुरुआती दौर, ये ऐसा वक्त था जब देवेन वर्मा साहब बहुत बिजी थे, एज एन एक्टर भी, एज अ डायरेक्टर भी, एज अ प्रोड्यूसर भी। लेकिन जैसे जैसे बॉलीवुड में स्लैपस्टिक कॉमेडी आ गई, वैसे वैसे देवेन वर्मा साहब अपने आप को बॉलीवुड से अलग करते चले गए। उनको स्लैपस्टिक कॉमेडी समझ में नहीं आती थी क्योंकि इस कॉमेडी में तहजीब नहीं थी, ऐसा देवेन वर्मा साहब कहते थे, और अपने आप को वो इस तरह की कॉमेडी में नहीं ढालना चाहते थे। '93 में देवेन वर्मा बॉम्बे से पुणे शिफ्ट हो गए परमानेंटली, और यूं तो उनकी कुछ फिल्में बाद में भी रिलीज हुई, मेरे यार की शादी है या कैलकटा मेल जो आखिरी फिल्म रिलीज हुई 2003 में, लेकिन आई थिंक मेंटली देवेन वर्मा अपने आप को बहुत पहले ही बॉलीवुड से अलग कर चुके थे। देवेन वर्मा साहब से जुड़ी हुई मेरी एक छोटी सी याद भी है, और क्योंकि आप अक्सर शिकायत करते हैं कि मैं अपने बारे में कुछ नहीं बताता, तो लेट मी टेल यू कि देवेन वर्मा साहब से मेरी मुलाकात पुणे में होते होते नहीं हुई। उस समय पुणे में मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, 1999 की बात है, और एक क्लब था जहां हमारे इंस्टीट्यूट का फंक्शन हो रहा था,
उसी क्लब में देवेन वर्मा आए हुए थे, लेकिन वो हमारे फंक्शन का हिस्सा नहीं थे, वो अलग क्लब मेंबर्स गैलरी में बैठे थे। मैंने उनको देखा, मेरा मन किया मैं उनसे जाके मिलूं, लेकिन क्योंकि वो एक अलग सेक्शन था, मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं जाके उनसे मिलूंगा तो कहीं वो ऐसा ना सोचे कि भाई मेरे प्राइवेट टाइम में क्यों मुझे परेशान किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक झिझक भी थी, आई वाज शाय अबाउट इट, एंड मैं उनसे नहीं मिल पाया। देवेन वर्मा साहब को डायबिटीज थी और उनके दिल में भी कई ब्लॉकेजेस थे। उनसे ये कहा गया था कि आप बाईपास सर्जरी करवा लीजिए, लेकिन वो माने नहीं। फाइनली 2014 2nd ऑफ दिसंबर देवेन वर्मा हैड अ हार्ट अटैक एंड ही पास्ड अवे। देवेन वर्मा साहब की सारी फिल्में तो मैं एक वीडियो में मेंशन नहीं कर सकता, लेकिन आप अपनी फेवरेट देवेन वर्मा फिल्म मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देवेन वर्मा साहब की तरह क्लीन कॉमेडी जॉनी वॉकर भी करते थे, उन पर हमने एक वीडियो बनाया, अगर आपको देखना है तो यू कैन क्लिक दिस वन। टेक केयर, कीप स्माइलिंग।